गाइस तो अभी ये ब्रिज को पार करके जाएंगे। पर क्रूम फिल्म की बच्चे लोग कुछ इस तरह से ब्रिज को पार किया जाते हैं। तो दोनों को डर लग रहा है क्या? मीडियम है तो गाइस सबसे बड़ा तो ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आप सबको फिर से स्वागत है मेरा इस नया ब्लॉग पर। तो आप लोगों को पता ही होगा मेरा हाथ में क्या है, तो जिसको पता नहीं उसको मैं बता देता हूँ। मेरा हाथ में है फिशिंग रॉड। तो आज हम फिशिंग करने जाएंगे मेरा अंकल लोग के साथ। और तीन अंकल है, हमको मिला कि चार है। आफ्टर 2 ईयर्स के बाद अपना पूछते आए, तो आज फाइनली फिशिंग करने का मौका मिला। तो आप लोग को दिखाने जा रहे हैं हम फिशिंग किस तरह से किया जाता है ना हम लोग का लोकल स्थल में, निशी स्थल में किस तरह से फिशिंग किया जाता है। तो आप लोग को वही दिखाना चाह रहे हैं हम इस वीडियो पर। तो आप लोग एंड तक बने रहना और प्लीज़ सगने से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नदी पर, लेट्स गो। तो गाइस तो फाइनली हम लोग नदी पे पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी बारिश दे रहे हैं, हम अच्छे से वीडियो शूट करने का आज मौका नहीं मिलेगा, तभी आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं। तो गाइस वीडियो का अंत तक बने रहना। और अभी जो पानी को भी दिखा देते हैं, और ये पानी का नाम है एक पानी का नाम है कुदे, एक का नाम है कुमे रिवर को भी आज आप लोगों को शो करके दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहना। तो लेट्स गो। तो नदी में पहुंचने का अभी थोड़ा केचू धुना जा रहे हैं, तो थोड़ा पहले हम वीडियो शूट करने नहीं सक रहा था क्योंकि काफ़ी बारिश दे रहा था। तो अभी तक हम लोग मछली पकड़ना शुरू नहीं किया। तो गाइस तो ये है कुदे रिवर एंड वो है कुमे रिवर। तो कुमे रिवर अभी काफ़ी गंदा में है क्योंकि काफ़ी बारिश दे रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम ब्रिज को पार करने के लिए कोशिश करेगा कि कभी ऐसे ब्रिज कभी जाके नहीं देखे। आप लोग देखते रहिए और ये ब्रिज है लोग। तो गाइस तो अभी ये ब्रिज को पार करके जाएंगे। तो काफ़ी तकलीफ है, हम फिशिंग रॉड पकड़ रहे हैं, बहुत ही तकलीफ है। तो गाइस क्या करेगा, मछली के लिए ये सब करना ही पड़ेगा ना। एक तरफ फिशिंग रोड, एक तरफ ये ब्रिज। और ये ब्रिज भी काफ़ी तकलीफ है चढ़ने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये ब्रिज में जाने के लिए। तो बहुत ही तकलीफ है, आप पोल को पकड़ के यहाँ पे चला जा रहे। तो गाइस आप लोगों को दिखा देते हैं ये है ब्रिज का नज़ारा। और यहाँ से थोड़ा सा भी पैर फिसल गया बोले से आप खत्म, सीधा नरक पहुँचेगा। नरक नहीं, सीधा पाताल पहुँचेगा, पाताल। तो दोनों कहाँ जा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मछली हम लोग से भी बड़ा वाला यहाँ पे है कुमे रिवर पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्रूम फिल्म के बच्चे लोग कुछ इस तरह से ब्रिज को पार किया जाते हैं। तो दोनों को डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, देखिए कितना ताकत है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। गामबूत पहन के यहाँ पे चला जा रहे हैं। और तो गाइस आप देख सकते हैं ये बच्चा दोनों ब्रिज का ऊपर से ही मछली पकड़ने का तैयारी शुरू किया गया है। फिलहाल तो इसको मछली मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको भी पता नहीं। तो गाइस तो अभी हम अपना टीम के पास जाएंगे। तो मेरा टीम लोग वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे कुमे रिवर पे, मेरा टीम लोग वहाँ में मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। तो अभी हम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा मछली पकड़ेगा, आई होप लगता है हम लोग बहुत बड़ा बड़ा मछली पकड़ेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्या ही बताएगा, काफ़ी बड़ा वाला मछली लिया है। तो इसने लिया है मिस्टर तगवा चुंग। तो कितना बड़ा है वो? मीडियम है। तो गाइस आप लोग देखते रहे, हम लोग से भी बड़ा वाला मछली ये नदी पे। ये मिस्टर तगवा चुंग अभी एक पीस निकला है। तो वहाँ पे मिस्टर तव क्योचक एंड मिस्टर टोनी आखिर में है हम। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा मछली है, आप लोग को आज वो चीज़ को हम दिखाने जा रहे हैं। और वो बड़ा वाला मछली को कोई भी नहीं निकाल सकता है बोला है। तो आज हम वो बड़ा वाला मछली को हम निकालने आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहे ना, और प्लीज़ सकने से वीडियो को स्किप मत कीजिए। और अभी आप मछली का खाना है। ये मछली का खाता और ये है केचू। ये केचू गंदा वाला केचू नहीं है, एकदम शुद्ध शुद्ध वाला केचू है। तो इसे इन्हें यहाँ पे घुसेगा और आप यहाँ पे करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल इसको देख लीजिए सबका वक्त गैस जब हम फिशिंग कर रहे होते हैं तब जब मछली निकल रहा होता है तब वीडियो शूट कर देने वाला कोई नहीं होता है और एजिक टाइमिंग भी जब मालूम नहीं होता जब मछली निकल रहा होता है ना। तो ओवरऑल जितना हम लोग आज मछली पकड़े इसको तो अभी आप लोग शो करके दिखाएंगे, आप लोग दिखते रहिए और भी मछली भरा ला लेगा तब दिखते रहिएगा। ये देखिए हम लोग कलेक्शन जो फिलहाल अभी तक ये कलेक्शन अभी तक मार रहे हैं मछली पकड़ रहे हैं और ये लोग तो हम लोग ये जितना पकड़े तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्टेंस हो गया इसलिए वहाँ से लेके आके आते आते ये लोग मर गया तो एक मगर ये जिंदा है, अरे तो हम तो जिंदा है देखो पर जिंदा है लेकिन बहुत शेष हो गया, पानी तो पी रहा है। सबसे बड़ा तो ये है, सबसे बड़ा तो ना ये अभी तक कलेक्शन तो इतना है बस इसके फोन में। तो हम अब थोड़ा ऊपर से में मछली पकड़ने जाएंगे तो वो अंकल को हम केचुल पहुँचाने जा रहे हैं तो रास्ता भी काफ़ी कठिन है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत है ये जंगल नदी का किनार में। तो ये कुमे नदी अभी काफ़ी भरा है क्योंकि बहुत ही बारिश दे रहा है और हम उतना भी अच्छे से शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना बारिश दे रही है, फोन को ही भिजा दिया। तो गैस तो अभी मेरा तरह ने बंसी मारने के लिए तो आप लोग दिखते रहिएगा, हाथ तो एक ना एक कुछ निकलेगा ही निकलेगा। बहुत ही भरा है तो गैस इसने इतना पकड़ है यहाँ पे देख लीजिए ये आप लोगों को अभी दिया गया है। तो गैस ओवरऑल जितना भी मछली पकड़े तो ये हम लोग का आज दिन का तो ये बड़ा वाला दो पीस को हम निकले तो आप लोग देखा ही होगा वीडियो में ये हम ही निकले क्योंकि हम पुल को ये क्या रखे शूट किया था। तो आज हम लोग जितना पीस पकड़े हैं इसको गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हम लोग आज 15 पीस पकड़े हैं। तो हम है टोनी है और एक अंकल है और हमको आज इतना भी शूट करने का समय नहीं मिला था और सकने से बाद में आप लोग को बहुत ही अच्छा से शूट करके दिखाएंगे। तो आज काफ़ी बारिश दे रहा था उसके कारण हम लोग अच्छा शूट नहीं कर पाए। तो गैस अभी हम लोग घर ले जा रहे हैं इसको वहाँ में मजा से बना के खाएंगे। तो गैस तो वीडियो का इंतजाम यहाँ पे किया जा रहा है और जिसने भी मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और जो भी मेरा Facebook पेज पर वीडियो देख रहे हो पेज को भी फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पर, तो लेट्स गो।